हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सानवी ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं भेल की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी, और इसे मैंने झटपट से बनाया है। और इधर देख सकते हैं, भेल मैंने इस नमकीन से बनाने वाली हूँ। ये कुरकुरे है जो मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, 5-5 का ये सब पैकेट आता है। ये देख सकते हैं, एक झालमुरी है और एक कुरकुरे है और एक ये चनाचूर है। तो इन्हीं तीनों से मैं आज भेल बनाने वाली हूँ। तो चलिए इन सबको साइड में रख लेते हैं, और लेते हैं एक भगोना। इसी में इन तीनों पैकेट को हम खोल कर निकाल लेंगे, और कुरकुरे को थोड़ा सा क्रश करके हम ले लेंगे, क्योंकि कुरकुरे थोड़ा लंबा लंबा साइज का रहता है, छोटा कर लेंगे इसे थोड़ा तोड़ के। तो ये देखिए, कुरकुरे मैंने निकाल लिया है, और ये जो मुरही है, ये नमकीन वाला मुरही है, तो ये भी ले रहे हैं। देख सकते हैं, इसे भी निकाल लिया है मैंने, और चनाचूर को भी निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी बनता है, और ये झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। और इसके लिए हम थोड़ा सा कुछ हरा सब्जियों को चॉप कर लिए हैं। इधर देख सकते हैं, खीरा है, पूरा एक खीरा मैंने चॉप कर लिया है। और ये मीडियम साइज़ का टमाटर था, और एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज को भी चॉप किया है, 2 हरा मिर्ची को मैंने चॉप किया है, आधा नींबू है और धनिया पत्ता है। तो खीरा ले लेंगे सबसे पहले। यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही थी, इसलिए मैंने खीरा थोड़ा ज़्यादा लिया है। खीरा और टमाटर ले लेंगे, और प्याज भी इसमें हम ऐड कर लेंगे, सारा प्याज। और इसी के साथ जो हरा मिर्ची मैंने चॉप करके रखा था, हरा मिर्ची भी ले लेंगे हम। देख सकते हैं, मैंने एकदम थोड़ा सा ही लिया था हरा मिर्ची। और जो धनिया काट कर रखा था मैंने, उसे भी हम इसमें ले लेंगे, डाल देंगे। तो सारा धनिया को हम पहले तो इसमें ले लेते हैं। और अब मैं ले रही हूँ काला नमक। यहाँ पर स्वाद के अनुसार हम काला नमक लेंगे, क्योंकि जो नमकीन मैंने लिया था उसमें पहले से नमक रहता है। जो मैंने सब्जी इसमें ऐड किया है, टमाटर और खीरा, नींबू, तो ये सब, इन सब के लिए नमक डालना था हमें। तो नींबू भी हम यहाँ पर आधा नींबू था, आधा नींबू हम पूरा इसमें गाल लेंगे, और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो बन गया ना हमारा झटपट से भेलपुरी। बच्चे लोग का पसंदीदा भेलपुरी घर पर झटपट से बनकर तैयार। हमारे घर पे बच्चे लोग को ये बहुत ज़्यादा पसंद पड़ता है, इसीलिए मैं बच्चे लोग के लिए बना रही थी। और आप लोग को ये रेसिपी अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और चटपटा ये बनकर तैयार हुआ था। इसको अच्छे से थोड़ा सा मिला लेंगे हम। ये देख सकते हैं, कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ था। तो इसे एक बार और हम मिला लेते हैं अच्छे से, ये मिक्स नहीं हो पाया नीचे से, तो ऐसे करके हम मिक्स कर लेंगे। तो चलिए, मिक्स हो गया है, तो हम आपको फाइनल इसका लुक दिखाते हैं। देख सकते हैं इसका फाइनल लुक, बहुत ही चटपटा बनकर हमारा ये भेल तैयार हुआ था, देख सकते हैं आप सभी। तो चलिए, कटोरी में मैं परोस के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने बच्चे लोग के लिए 2 कटोरी में निकाला हुआ था। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये रेसिपी थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, फिर मिलते हैं एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।